रंगला पंजाब पटियाला हेरिटेज मेले का होया उद्घाटन। सूबे की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ने दिते वड्डे बयान, पर अजनाला दियां तस्वीरां ने तां कुछ होर ही पेश किया। विची बेदबी के दोषियों नूं भी लिया दोवे हत्थे। जिथे एक पासे पंजाब दे विच लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है बिल्कुल कोलैप्स हुंदी होई नजर आ रही है, जिवें कि अजनाला वेलियां जिहड़ियां तस्वीरां सब ने वेखियां वो आप ही गवाही दे रहियां ने, तां दूजे पासे जिथे केंद्र सरकार की इनवॉल्वमेंट की मंग हो रही है कि जिहड़ा राष्ट्रपति राज है वह लागू होना चाहिए, पर जिहड़े पंजाब सरकार दे कह लईए मंत्री ने उन्हां दे बयान जिहड़े सामने आ रहे ने वह यही आ रहे ने कि जिहड़ी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उन्हूं लैके कोई समस्या ही नहीं हैगी। सो सुनदे आए हैं कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा का बयान, जो कि रंगला पंजाब पटियाला हैरीटेज मेले के उद्घाटन समारोह में शिरकत कर आए थे, तो उन्होंने किवें आड़े हथी एक पासे तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में लैके सबनों घेरिया, तो दूजे पासे जड़े बेअदबी के दोषियों के नाम दाखिल होए ने उसते भी वड्डे बयान दिते ने। जिहड़ा कांड होया सी उहदे विच जिहड़ी चलान जिहड़ा चार्जशीट पेश हुई आ वो मानयोग ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो सिट बनाई सी, हाई कोर्ट ने जो आदेश दिते सीगे उन्होंने उत्ते सरकार ने अफसर ने अपना काम करके एक ईमानदारी दे नाल रिपोर्ट पेश की आ, चार्जशीट जिहड़ी आ मानयोग अदालत दे विच पेश की आ। सो जिन्हां लोकां ने जुर्म किया सी, जिन्हां लोकां ने क्राइम किया सी, जिन्हां जिहड़े उस जुर्म दे भागीदार सीगे उन्हां दे खिलाफ़ जिहड़ा चलान मानयोग अदालत दे विच पेश होया गा, हुण अदालत दे विच सरकार अपना पक्ष पेश करेगी, प्रोसीक्यूशन डिपार्टमेंट अपना पक्ष पूरक पेश करेगा, जिहड़े गवाह नेगे वो अपनी गवाही देणगे और उस तों बाद मानयोग अदालत जिहड़ा वो अपना फैसला सुनाऊगी। सो मैं समझदा बहुत लंबे अरसे तों बाद पंजाब दे लोकां नूं, इंसाफ पसंद लोकां नूं इंसाफ मिलेगा। सो मैं इस दे लई सारे अधिकारियों का, सरदार भगवंत सिंह मान जी मानयोग मुख्यमंत्री साहब का धन्यवाद करना चाहना गा। देखो किसी ने भी कानून हाथ में लैण की कोई भी आग्ञा नहीं हैगी, पर लेकिन अफसोस कि पालकी साहब न गुरु ग्रंथ साहब न अगे रख के धरनाकारियों ने अपना प्रोटेस्ट किया गा। पुलिस नहीं चाहती, सरकार नहीं चाहती कि गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हो, पर जिन्ना भी लोगों ने किया गा मैं मानयोग अकाल तख्त के जथेदार साहबान को बेनती कर दाँगा कि जेड़े भी लोग चाहे धरनाकारी ने जा होर ने जेड़े गुरु ग्रंथ साहब का आड़ लैके गुरु साहब का गुरु साहबान अगे ले जा के धरना देंगे ने गे, उन्होंने खिलाफ़ कार्रवाई की जाए, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब न लखा ही करोड़ा ही लोग जड़े ने गे वो नतमस्तक होंगे ने गे, उन्हों की आस्था गी। सो मैं समझदा अ लखा करोड़ों लोगों की आस्था सट वजी आ। सो अकाल तखत के जथेदार साहबान उन्होंने दे खिलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए आ। एक मिनट प्लीज़ लैट मी कंप्लीट यार बट सो उन्होंने खिलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए आ जिहड़े लोगों ने गुरु ग्रंथ साहब अगे लेके रखा गा। सो बिल्कुल नहीं धरना करना किसी मंग लई अपना एजिटेशन करना वो अधिकार है, पर लेकिन गुरु ग्रंथ साहब का सहारा लैके लैना मैं समझता बहुत ही माड़ी गल आ। सो मेरी मानयोग अकाल तख्त के जथेदार साहबान अपील आ कि उन्होंने लोगों के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी को अपील आ कि इन्होंने लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई की जाए जो साढ़े धर्म का सहारा लेंगे। पटियाला तो अमरजीत सिंह चढ़दी कला टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट।